सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर कल रविवार नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सिलगेर टिकलगुड़म के बीच नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों के ट्रक को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दी। इस ब्लास्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन के 2 जवान शहीद हो गए। जानकारी के अनुसार जगरगुंडा क्षेत्र स्थित सिलगेर कैंप से 201 कोबरा वाहिनी के जवानों का मूवमेंट आरओपी के दौरान ट्रक और बाइक से टिकलगुड़म की ओर था। वहां रास्ते में नक्सलियों ने आईडी प्लांट कर रखा था। बताया जा रहा है दोपहर करीब 3 बजे जैसे ही जवानों से भरा ट्रक वहां से निकला, आईडी की चपेट में आ गए। ब्लास्ट तक चलते ट्रक का चालक जवान विष्णु आर और सह चालक जवान शैलेंद्र शहीद हो गए, बाकी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जवान राशन लेकर कैंप जा रहे थे। टिकलगुड़म और इसके आगे का पूर्ववर्ती इलाका नक्सली कमांडर हिरमा और देवा का गढ़ है। कुछ ही महीनों पहले यहां सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित किया गया है। करीब महीना भर पहले बीजापुर जिले में थाना प्रभारी की गाड़ी नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आ गई थी। फरसगिरम थाना प्रभारी आकाश मसीह अपने एक जवान के साथ शासकीय काम से बीजापुर आ रहे थे। इस दौरान नक्सलियों ने फरसेगढ़ और रानी बोदली गांव के बीच कमांड आईडी ब्लास्ट किया। हालांकि इस घटना में थाना प्रभारी आकाश मसीह और जवान दोनों सुरक्षित हैं। वाहन के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा था। सुकमा जिला के टिकलगुड़म में हुए नक्सली हमले में 2 जवानों के शहादत पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में 2 कोबरा जवानों के निधन की दुखद खबर आ रही है। ईश्वर से दिवंगत जवानों की आत्मा की शांति और परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। सीएम ने कहा कि बस्तर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से नक्सली हताश हैं और विचलित होकर ऐसी कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलवाद के खात्मे तक हम चुप नहीं बैठेंगे।